गुलजार अहमद, अध्यक्ष जिला गुर्जर समाज कल्याण सभा चंबा। आज मैं जो 15 दिसंबर को हमारे पूर्व अध्यक्ष हसनदीन जी ने जो एक मिलन पैलेस में अधिवेशन के नाम से जनसभा की, उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे हम सब। 15 दिसंबर 2018 को जो मिलन पैलेस में गुर्जर कल्याण सभा का बैनर लगाकर जो अधिवेशन बुलाया गया और सभा की गई, वो सरासर गलत है और उसका हमारे गुर्जर समाज कल्याण सभा की पूरी कार्यकारिणी और सभा समुदाय के लोग जो उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें गुर्जर समाज कल्याण सभा के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो कार्यकारिणी है, उसको किसी भी विश्वास में नहीं दिया गया और अपनी मर्जी अपनी इच्छा अनुसार एक मनगढ़ंत तरीके से वहाँ पे उसको प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें लोगों में उन्होंने झूठा प्रचार किया गया कि समुदाय को बताया गया कि FRA के नाम पर उनको बुलाया गया, जिसमें पंजाब और कांगड़ा से लोग जो बुलाए गए और उनको ये बताया गया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कुछ गुज्जर लीडर और संस्था एक्शन एड के संस्था के लोग वहाँ पर आएंगे और FRA के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और आपको पटे दिलवाए जाएंगे और प्रशासन से वो लोग बात करेंगे, इसलिए आप वहाँ पर इकट्ठे हों, जो कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार करके रखा हुआ था। पहले तो उन्होंने प्रचार किया था कि 15 दिसंबर को चुनाव होंगे, जब लोगों ने उसको नकारा तो उन्होंने एक मीटिंग के नाम पर ये सभा बुलाई, जिसमें बाहर से लोग लाए और नाम दे दिया जिला गुर्जर समाज कल्याण सभा चंबा, जो कि वो सरासर गलत है, क्योंकि सभा ने तो ये बुलाया नहीं था अधिवेशन, और ना जो लोग बाहर से आए वो उन्होंने सोचा कि ठीक है, FRA का काम है, हमें बट्टे मिलेंगे, लोग अपने कागज़ वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जो कमी बेशियाँ हैं प्रशासन के आगे, जो हमारे पट्टे की फाइलें नहीं पहुंच रही हैं, उनके कोई कमियां हैं तो वो हमारे से वो लोग दूर करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रणनीति के तहत इसका वार्षिक अधिवेशन का नाम दिया, जबकि और बता रहे थे कि 15 साल से सभा जो है पुरानी सभा है वो चल रही है, उसी का ये वार्षिक अधिवेशन है, जबकि वो 15 साल से नहीं चल रही है, उसको जानकारी का अभाव है, इतनी जानकारी उनको नहीं है। ये सभा 22 साल से चली आ रही है गुर्जर समाज कल्याण सभा। मैंने पिछले दिनों इसकी क्लैरिटी और सारा विस्तार जो बताया था कि कैसे सभा बनी, कैसे ये हुआ, लेकिन 22 सालों में कभी भी आज तक वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। हर वार्षिक अधिवेशन का मतलब होता है कि हर साल उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो समुदाय को दी जाएगी और उसका वार्षिक अधिवेशन किया जाएगा और अगली प्लानिंग की जाएगी साल की, ऐसा जबकि पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोपोगंडा के तहत उसको अब जब 2 जुलाई 2018 को वो अध्यक्ष पद से हटाया गया उनको, और उसके बाद उन्होंने इसको जो है वो वार्षिक अधिवेशन का बुखला कर नाम रख करके और ये जो है वो एक मीटिंग बुलाई, जिसमें ज़्यादातर लोग पलियूर पंचायत के थे, क्योंकि वो बाद में हमारे को बता रहे थे कि भाई हमें तो इसलिए बुलाया कि भाई अगर आप नहीं आएंगे तो FRA का काम है वो भी, अब आपको फाइलें तैयार करनी है तो बाहर से लीडर जो है वो आएंगे और आपको ये समझाएंगे सारी बात। लेकिन वहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर वो लोगों ने बताया कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको तो हम आपके जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, IRTP, तो हम दो सिटिंग प्रधान हैं, तो अगर नहीं आएंगे भाई तो हम आपके वो काट देंगे, हम आपके काम नहीं करेंगे, तो लोगों ने ये बताया हमें, तो हम इसलिए हम गए क्योंकि सिटिंग प्रधान है, इसलिए हम वहाँ पे भी गए। बाकी पलियूर पंचायत को छोड़कर बाकी किसी पंचायत के साहू, रजिंडू, शिलाग्राट, जडेरा से कोई लोग नहीं आए, सिर्फ जो 2-4 लोग जो हैं जिनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँचे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांगड़ा के माजरा और पंजाब से आए, और वो लोग हमारे अधिकार के क्षेत्र में, क्योंकि जिला गुर्जर समाज कल्याण सभा चंबा की है तो चंबा के लोग ही इसमें हिस्सा लेते हैं, बाहर के लोगों को इस सभा में ना तो कोई सदस्यता मिलती है ना पदाधिकारी होते हैं,
तो वहाँ से बुला करके FRA के नाम पर के धोखे से उनको यहाँ पे बुलाया गया। और एक और बात बताऊँ कि वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं गुर्जर समुदाय के को मिल नहीं रही है, लेकिन वो उसकी वो अपनी नलायकियों को किसको बता रहे थे। 12 साल तो वो अध्यक्ष रहे। हमारी सभा का काम है जो सरकार योजनाएं चलाती हैं समुदाय के लिए, हम उनको जन जन तक पहुंचाएं, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ जो समुदाय के लोग लें। इसीलिए हमने ये सभा बनाई है कि समुदाय को किसी भी योजनाओं का अगर जानकारी नहीं है तो उसको देखा जाए, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और वो जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो एक तो उन्होंने ये बताया, दूसरा उन्होंने एक और बात कही कि गुज्जर भवन के लिए 2.5 लाख रुपया पिछली सरकार ने दिया था, वो भी सरासर झूठ है, क्योंकि पिछली सरकार के पास में गुज्जर कल्याण बोर्ड का उस टाइम सदस्य था, मैंने ही ये डिमांड रखी थी कि चंबा में गुज्जर भवन होना चाहिए। तब तो वो लोग कहते थे गुज्जर भवन की ज़रूरत नहीं है, अब याद आ गई गुज्जर भवन की। और 2.5 लाख रुपये भी झूठ से लोगों को गुमराह किया गया कि 2.5 लाख रुपया, कोई एक रुपया भी गुज्जर भवन के नाम से जिला में या पंचायत में किसी कहीं भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो जमीन का प्रोसेस है। अभी मिंजर के मेले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर भी आए थे, भारी मात्रा में गुज्जर समुदाय के लोगों ने गुज्जर समाज कल्याण सभा के पदाधिकारियों के साथ बचत भवन में जो मीटिंग की थी, वहाँ पे हमने जो इशू गुज्जर समुदाय के वहाँ पे रखे थे राजबली चेयरमैन जी के माध्यम से, तो वहाँ पे गुज्जर भवन का उन्होंने घोषणा की है कि भाई जल्दी ही, और प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि जल्दी ही ज़मीन की वहाँ पे तलाश करके और वो कागज़ जो है वो भेजें, उस पर काम चल रहा है। और ये बुखलाकर ऐसी बयानबाजी करने के तौर पर लोगों को बहकावे में रहते हैं, लेकिन वो लोग इनके बहकावे में आने वाले ये नहीं हैं। तो अब जब से हमने ये सभा बनाई है 14 जुलाई 2018 से नई कार्यकारिणी गठित हुई है, तो हमने ग्राउंड लेवल पे ये काम शुरू किए हैं, चाहे वो शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे ये सरकार की जो भी योजनाएं जो लागू हो रही हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये बुखलाकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, और अपना उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई दिशा नहीं है। 12 साल तो उन्होंने किया कुछ नहीं, लेकिन अब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हमारी सभा के पदाधिकारी और लोग कर रहे हैं, हमने हर पंचायत में पंचायत वाइज कमेटियां गठित की हैं, तो अब ये प्रोपोगंडा थे वो हमारे ही इशू जो हम बोल रहे हैं वो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी उन्होंने कोई सोच नहीं रखी। दूसरा उनको अभाव है कि भाई चंबा में हिमाचल में हज कमेटी का गठन किया जाए, अभी वो मांग कर रहे हैं, लेकिन हज कमेटी का गठन हो चुका है, शायद वो टीवी या अखबार नहीं पढ़ते होंगे उनको इस चीज़ की जानकारी, क्योंकि उनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं, सिर्फ एक भाषणबाजी करनी है, कोई मुद्दा देखना है कि लोगों को बताना ये हुआ, लेकिन हज कमेटी का गठन जो है हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने कर दिया है। तो दूसरा जो है जो ये उन्होंने बाद में किसी को आगे जो स्टेज पर कुछ उनके मानने वाले लोग थे उन्होंने एक रणनीति के तहत भाई चुनाव करो, कोई FRA की जानकारी नहीं देगी, कोई लीडर नहीं वहाँ पे बुलाए गए, और चुनाव के नाम पर किसे एक वो कासम जिन जी जो उनके साथ ही हैं उन्होंने फटाफट माइक लिया और भाई कार्यकारिणी गठित, और पीछे के लोग बता रहे हैं कि हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमारे से राय ली कि हाँ जी फलाना आदमी प्रधान, फलाना अध्यक्ष, फलाना सचिव, ऐसे ऐसे नाम लेके बनाए गए, लोगों में उस चीज़ का रोष था कि हम तो FRA के नाम पे वहाँ पे गए थे और बाहर के जो लीडर आने वाले थे उनको सुनने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म रच करके एक जाली बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी पदाधिकारी जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसके विश्वास में लिए बिना, बिना जनरल हाउस में उसको पुरानी कार्यकारिणी को रिजेक्ट किए बिना एक नई कार्यकारिणी घोषित कर दी और नाम रख दिया गुज्जर समाज कल्याण सभा, और बता रहे थे कि हमारी ये पुरानी सभा है, बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन वो उनका बुखलाहट है वो जो दर्शा रहे थे। तो हम ये बता रहे कि हमारी गुज्जर समाज कल्याण सभा की जो नए कार्यकारिणी, नए रजिस्ट्रेशन सब कुछ हमारे पास है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन
नई रजिस्ट्रेशन है जो अभी हमने रिन्यू करवाया है 2006 में, इसका कोई भी पहले 2006 में जो 1860 का एक्ट था उसके साथ उसके तहत रिन्यू हुई थी और वो 2006 में ख़त्म हो चुका। 2018 में जब हमारी कार्यकारिणी नई गठित हुई तब हमने इस दस्तावेजों की जांच पड़ताल की, उससे हमें पता चला कि वो तो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल है, इसलिए हमने ये नई रजिस्ट्रेशन कराई। बैंक अकाउंट हमारे पास है, बैंक जो सभा का है वो अकाउंट हमारे पास है, हम ही उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इनको तो ये भी पता नहीं है कि हम गुज्जर समाज कल्याण सभा का नया रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और ये जो गुज्जर समाज कल्याण सभा के नाम से इन्होंने एक बैनर लगा रखा था और जिसका कोई भी इनको कानूनी हक नहीं था लगाने का, क्योंकि सभा के पदाधिकारी और जनरल हाउस जो है वो वही करते हैं, वही अधिवेशन बुलाते हैं, वही काम करेंगे। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का नाम दिया गया और बोला गया कि बिना गैर तरीके से जो कमेटी गठित की, हम उसके लिए एक सरकारी कानूनी सहायता भी देंगे और उनको नोटिस भी दिलवाएंगे, क्योंकि भविष्य में भी वो ऐसा प्रोपोगंडा कर सकते हैं कि किसी को लेटर पैड यूज़ करेंगे, गलत काम करेंगे, तो सबक उसकी जानकारी नहीं होगी, तो इसके लिए भी हम एक कानूनी नोटिस जो उनको दिया जाएगा। तो ये इन सारी चीज़ों पे आज हमारे लोगों ने भी ये राय दी थी कि भाई सभा के लोगों ने कि भी आप प्रेस के माध्यम से इन चीज़ों को लोगों को बताएं कि ये कोई भी कार्यकारिणी समुदाय को मान्य नहीं है और बाहर से लोगों को गलत तरीके से इकट्ठा करके चंबा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैंने तो एक चीज़ देखकर हम तो हैरान हो गए, वहाँ पर डिमांड होगी MLA की टिकट दी जाए। अरे भाई समुदाय के हम तो गरीब लोग हैं, हमारे तो कहाँ MLA बने, लेकिन वो इनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका है कि लोग छोड़ कर अगर 150 लोग इकट्ठे हो गए तो वह विधायक की डिमांड भाजपा से और कांग्रेस से कर रहे हैं। खैर वो जाने हैं, उनकी सोच है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं सरकार हमारा काम कर रही है, योजनाएँ लागू कर रही हैं और हम उस काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और अगर भविष्य में अगर ऐसा करता है या हमारी कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी अभी मीटिंग में, तो हम इनको कानूनी नोटिस भी देंगे कि गलत तरीके से इन्होंने हमारी सभा का मिसयूज किया है और गलत तरीके से प्रसंग अपने अगर अपने नाम से किसी और नाम से वो संस्था बनाए तो हमें उसमें कोई तरह नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज कल्याण सभा के नाम से कोई ना तो रजिस्ट्रेशन होगी ना उसमें कोई सभा की नई कार्यकारिणी है। हम अध्यक्ष हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, ये गुलाम सूर जी महासचिव हैं, 3 साल के लिए हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बशीर जी भी हैं और 3 साल तक ये पूरा कार्य करेगी। 3 साल के बाद जनरल हाउस बुलाया जाएगा, इसी कार्यकारिणी के थ्रू बुलाया जाएगा, तो फिर अगला चुनाव जो है वो किया जाएगा, तब तक ये यही कार्यकारिणी जो है वो काम करेगी। मैंने सर्टिफिकेट वगैरह बैंक अकाउंट भी आपको यहाँ पे इसलिए दिखाए क्योंकि वो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि वो गलत तरीके से वो करें, जबकि उनको इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं थी, रजिस्ट्रेशन का नंबर तक की जानकारी नहीं होगी। वो किस आधार पर जो अधिवेशन बुला रहे हैं और उनके पास है क्या चीज़, वो उसे कल्याण सभा का अगर नाम दे रहे हैं तो उनके पास कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र है या कोई दस्तावेज है, वो चीज़ बताएं ना। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनसे इस तरह की जो ये नाम दे रहे हैं उस तरह की कोई भी अगर दस्तावेज है तो वो बताएं। और जो इन्होंने जो अधिवेशन बुलाया इसमें ज़्यादातर लोग जो कार्यकारिणी वो पलियूर से ही चुनी गई, उसमें प्रधान जो आया आपका हसनदीन वो पलियूर पंचायत के वर्तमान प्रधान है और सभा के अध्यक्ष बन गए, वो प्रधान जो है वो लाल सैन जो वो पलियूर पंचायत के प्रधान है उप प्रधान है वो उप प्रधान बन गए और कोषाध्यक्ष कासमदीन पलियूर पंचायत से वो कोषाध्यक्ष बन गए और प्रेस सचिव जो अलादित वो पलियूर पंचायत का वो प्रेस सचिव बन गया और सलाहकार उसमें जो है हाजी बशीर जी वो पलियूर पंचायत के, तो कहाँ की जिला की ये इन्होंने गठन कर दी सभा का, और जो बाकी लोग थे वो सारे पठानकोट के से। तो इस इनकी इस अधिवेशन का हमारी कल्याण सभा के कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाहर से लोग बुलाए गए थे और स्थानीय लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है और जो लोग थे वो एक FRA के तहत इन्होंने बुलाए थे कि आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये पहले से एक एक्सलेट संस्था है उसमें काम कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी सेक्रेटरी बनाया जो भी ये पदाधिकारी इन्होंने इधर बनाए ये सारे संस्था में काम कर रहे हैं और सैलरी लेके काम कर रहे हैं। उस संस्था उस अधिवेशन में वो लोग मौजूद थे जो लोग अपने कारोबार भैंसों का कारोबार करते हैं और हमारे सभा में जो भी लोग मौजूद हैं कोई XBDC है, एक्टिव प्रधान है, वार्ड मेंबर है, बुद्धिजीवी लोग जो प्रतिनिधि लोग हैं वो इस सभा में मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर वो गुज्जर भवन की डिमांड करते हैं या कोई और डिमांड करते हैं तो 15 साल वो अध्यक्ष रहे तो उस टाइम में क्यों नहीं किया उन्होंने,
जबकि 2 जुलाई को ये बर्खास्त हो चुकी है और इनको समुदाय ने बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद 14 जुलाई को इसका सर्वसम्मति से गठन कर लिया गया और उसके बाद 6 महीने तक तो हम सुचारू रूप से अपनी मीटिंग कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो ये उनको रास नहीं आ रहा है, एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुर्जर समुदाय को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। शायद मैं समझे इनको लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी तो हिमाचल में सरकार बन चुकी है और आगे 5 साल के बाद इलेक्शन होगी और टिकट ये पंजाब से मांग रहे हैं या हिमाचल से मांग रहे हैं इनका ये भी पता नहीं। उन्होंने ये वहाँ घोषणा कर दी कि हमें इसमें विधानसभा में ये टिकट दी जाए, तो इससे टिकट के इसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं। हमारे समुदाय के लोग ये इस टिकट की कोई डिमांड नहीं करते, ये उनकी निजी राय हो सकती है, समुदाय की ये कोई डिमांड नहीं है। हमारा काम जो है एक ग्राउंड लेवल पे है और हमने ग्राउंड लेवल पे अपना काम करना है। कई छोटे छोटे जो हमारे जैसे हॉस्पिटल में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो इस क्षेत्र में हमने अपने अभी हमें विकास के क्षेत्र में काम करना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, हमारे सभा का वो काम है, ना कि एक राजनीति करना, ये काम हमारी सभा का नहीं। मैं प्रेस सचिव गुर्जर कल्याण सभा चंबा का हूँ। जो भी 15/12/2018 को सभा की गई उसमें वो स्वीकार है, हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसमें FRA के तहत लोगों को बुलाया गया था। हमें भी सूचना मिली थी कि FRA के तहत लोगों को पटे दिलाए जाएंगे, उसमें लोगों को बुलाया गया था। हमने भी लोगों को वहाँ भेजा कि जाओ आप FRA की आपकी फाइलें जो तैयार होगी होगी आपको पटे दे दी जाएंगे। तो जब लोग यहाँ पहुँचे तो उन्हें सभा के लिए बुलाया गया था, फिर तो लोग निराश हो चुके कि हमने अब क्या करें, क्यों हमें तो बुलाया गया था पटे के लिए, यहाँ तो कोई पदाधिकारी नहीं है पटे दिलवाने वाले। तो फिर लोगों ने उसके लिए उन्होंने जो 5-10 बंदे बैठे हुए थे स्टेज पर, उन्होंने अपनी सभा के लिए कार्यकारिणी घोषित कर दी, जिसमें उन्होंने अपने ही जो प्लियोर पंचायत के लोग हैं 10-15 तो उस सभा में चढ़े प्लियोर पंचायत के लोग हो गए, बाकी तो पंचायत तो प्रोता से भी नहीं है, रजिंडू से साउथ से बहुत कम लोग उसमें आए हुए थे। तो इसके लिए हम इसमें इसका वो मानते हैं कि वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। 18/12/2018 को चंबा में जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये इसलिए बुलाई गई है कि जो गुर्जर कल्याण सभा की डुप्लीकेट एक बैठक हुई, जिसमें ना कि वो कोई अधिकारी हैं ना कोई उनके पास अधिकार है, तो उन्होंने एक लोगों को फ्रॉड सा मैसेज देकर गुजर उनको बुलाया गया वहाँ पे, जबकि बुलाया तो गया लेकिन वहाँ उनके पास कोई भी मौजूदा कार्यकारिणी करने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो इतना ही कहता हूँ कि जब अब वो कह रहे हैं कि हम पटे दिलवाएंगे, जो भी कार्य उन्होंने बताएं वो जो आज से कम 3-4 महीने पहले ही हमारे शिमला CM साहब के पास वो कार्यकारिणी पहुँच चुकी है, तो उसको दोबारा दोहराने के लिए या किसी अपना नया इशू बनाने में उसकी क्या ज़रूरत थी। जब वो कार्य कर सकते थे, जब उनके पास समय था, जब सरकार उनकी थी, शिमला से लेकर दिल्ली से लेकर और गुर्जर कल्याण सभा ने उनको पूरा ही टाइम दिया था, 12 साल कम होते नहीं होते। 12 साल में हमारे एक मज़ में कहते हैं कि अगर कोई करना चाहे तो फ़कीर बन सकता है, सूखे पांव दरिया से पार हो सकता है। इतना समय देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, अब 2-3 महीने में हमारे ऊपर जुल्म हो गया और हमें दोबारा इसमें एडजस्ट किया जाए। तो गुजरों ने जब पूरी ही कोशिश की, जिसने उन्होंने इस जो ये भंग की गई थी उस पर साइन किया, तो उन्होंने इनकार किया था कि हमें सेवा ये फ्री में सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो उस दिन ये निराश होकर और बेआस होकर जो हमारी बलादरी थी वो घर में गई। उसके बाद इन्होंने कुछ जैसे भी हैं वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं जो कुछ भी है, जिन पे विश्वास किया, कार्यकारिणी का गठन किया, वो कार्यकारिणी लगातार पर महीने वो अपनी बैठक बुला रही है, अपनी कार्यकारिणी पे गौर कर रही है, तो उसके पीछे पढ़ने का मेरे हिसाब से तो कोई मकसद नहीं था। हाँ, सभा चलती है, सभा बुलाते हैं, लेकिन सभा का नाम अलग होता है। अगर आज उन्होंने कोई सभा बुलाकर अलग नाम की सभा तैयार की होती तो हम खुद उनके लिए सहयोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ को कई लोगों को तो ऐसा बकावा दिया जा रहा है कि जो वो सभा बनी है वो BJP की है। ठीक है, वो BJP के अध्यक्ष हैं, वो फलाने अध्यक्ष हैं, हमने तो सर 15-20 साल से वो कोई भी अध्यक्ष थे, हमने तो किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। सही हुआ तो वो भी सही है, गलत हुआ वो तो आम जनता के सामने है कि सही हुआ या गलत हुआ। अगर सही होता तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तीसा बजराड़ू से लेकर राग क्याणी से लेकर बेल्ज से लेकर डलगना रजेरा चमेरा से लेकर सिमड करोइला जो लास्ट हमारे गांव आते हैं, जो कि कुर्था पंचायत रजिंडू में आते हैं, प्रोथा साहू कीड़ी वगैरह जितना भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर मजबूरी के कारण एक सभा बनाई। उसका कोई कारण था,
वो कारण कोई झूठा नहीं है, वो लाखों का बेनिफिट था और वो मौजूद है। सीएम साहब ने हमारे पवन नैयर के माध्यम से, राजबली के माध्यम से, वो माध्यम से जो बुलाई गई थी ना कार्यकारिणी स्कीम जो बताई गई थी उसको ऊपर, उसके ऊपर पूरे गुजरों ने विश्वास किया और उसके ऊपर गुजर आए, मान सम्मान मिला। मैं तो कहता हूँ पहली बार सीएम साहब के तहत और पवन नैयर जी के तहत हमें पहली बार ऐसा चंबा में मैंने देखा। 15 साल 20 साल की होश में हम भी चल रहे हैं, तो मैंने पहली बार देखा कि ऐसा मान सम्मान हमारे गुजरों को राजा वीरभद्र के टाइम में मैंने नहीं देखा। अगर होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा। जो ये आज लीडर हैं इनकी कार्य करने में मैंने कभी ऐसा मान सम्मान नहीं देखा। और उन अनाथ बच्चों को जिन्होंने ज़िंदगी में एक रुपया नहीं देखा था, उनको 5-5 हज़ार के, 10 हज़ार के चेक बांटे गए, चेक दिए गए। उन्होंने दूसरे दिन बैंक में जाकर खुश दिल होकर वो अपने पैसे अपनी जेब में डाल कर गए। तो ऐसी सरकार के साथ हम क्यों ना जोड़ करें, ऐसी सरकार के साथ हम क्यों ना लोगों को जोड़ें। तो अगर हम जहाँ हमारा काम होता है वहाँ हम जोड़ेंगे, वहाँ हम दौड़ेंगे, उसके लिए हम फुल रफ्तार रखेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। तो चलो वो तो अलग बात है, उन्होंने ऐसा ही मुद्दा बनाया जिसके लिए हमें बोलना पड़ा, नहीं तो पाँचवीं या छःवीं मीटिंग हुई इसमें हमें कांग्रेस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये गुजर कल्याण सभा थी। लेकिन जब वो उस मुद्दे पर आ गए, आए तो वो उन लोगों ने कांग्रेस को भी निकाल दिया, बीजेपी को भी निकाल दिया, गुजर बिरादरी को भी निकाल दिया, खुद ही विधायक के दावेदार बन चुके।